मुझे एक बात कहूँ? आदित्य के लिए ना, मैं घरवाली हूँ। अरे ये किसी ने देख लिया ना? तो कहाँ बात करो तुमसे, क्या तुम चाहती थी बात ही ना करो? प्लीज काम डाउन। काम डाउन आदित्य, कल मेरी शादी हो रही है। सोमिया सोमिया, तू यहाँ रसोई में क्या कर रही है, वो भी अकेली? आदित्य के चाल में मंगल फंस जाती है। भाई यहाँ पर आदित्य कितनी कोशिश कर रहा है मंगल को नीचा दिखाने की, और इस बार तो वो कर ही देता है। हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पंडित जी आए हुए हैं, और यहाँ पर भाई मनन और सोमिया की शादी की तारीख पक्की हो रही है। मतलब यहाँ पर पंडित जी से भाई तारीख निकलवाई जा रही है, लेकिन यहाँ भाई आदित्य और जो सोमिया है वो चाल चलते हैं पंडित जी को पैसा वैसा खिलाकर। उनसे बोलते हैं कि भाई कोई भी मुहूर्त नहीं है। बेटा तू कितनी परेशान क्यों हो रही है, सब बहुत बढ़िया बना है एकदम अच्छा। नहीं मम्मी, मैं ये सोच रही हूँ कि नमक तो मैं डालना ही भूल गई थी। फिर किसी ने मुट्ठी भर कर डाल दिया हो ताकि मंगल का बनाया हुआ भोग और उसका खाना खराब हो जाए। क्यों करेगा शादी? सोमिया कर सकती है। पंडित जी कहते हैं कि भाई एक साल तक कोई मुहूर्त ही नहीं है शादी का, और यहाँ पर जो मंगल है, कुसुम है, और भाई उसकी सोमिया की माँ है, वो एकदम से शॉक हो जाते हैं कि एक साल तक अगर मुहूर्त नहीं होगा तो शादी कैसे होगी। और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से भाई हमने सोमिया को मना के रखा हुआ है, और वो तो भाई शादी करेगी नहीं फिर एक साल बाद। और यहाँ भाई इन लोगों का ऐसा लग रहा था कि प्लान कामयाब हो जाएगा, लेकिन अचानक से मंगल जो होती है बोलती है कि हमारे एक और पंडित जी, और हम उनको फोन करके देखते हैं शायद वो कुछ ऐसा रास्ता निकाल पाए। और यहाँ पर जैसी वो फोन कर रही होती है तो पंडित जी बोल देते कि नहीं भाई एक मुहूर्त है जो कि दो दिन बाद है। और एकदम सोमिया खड़े होके बोलती कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। लोगों इससे पूछो ना, ये रसोई में अकेली खड़ी थी, कोई नहीं था इसके पास, और जब मैंने इससे पूछा तो इसने कहा वो तेरी मदद करने आई है जबकि तू थी नहीं वहाँ। कैसे, किसे बात कर रही? सोमिया हमारी गेस्ट है, आप इसे तमीज से बात कीजिए, इसकी इंसल्ट मतलब हमारी इंसल्ट। एक बात बताओ धमाज जी, जब भी मैं कुछ सोमिया को बोलती हूँ आप नाराज हो जाते हो। बस कि नमक सोमिया ने डाला है, मेरे पास है सबूत। दो दिन बाद में कैसे शादी करूंगी यहाँ पर, और कैसे सारी तैयारियां होंगी। और यहाँ भाई सब लोगों को लगता है कि अब ये तो मना कर देगी, लेकिन यहाँ भाई सोमिया की माँ उसको राजी कर लेती है और बोलती है कोई बात नहीं हम तैयारी वगैरह कर लेते हैं, और ज्वेलरी वगैरह खरीदने जानी है। तो भाई अब यहाँ पर ये सारा जो जिम्मेदारी है ये आदित्य और मंगल को मिलती है। अब आदित्य प्लान बनाता है दिमाग में कि भाई क्या करना है यहाँ पर शादी रोकने के लिए, क्योंकि उसको तो किसी तरीके से शादी रोकनी है। और यहाँ भाई वो मंगल के ऊपर लगा देता है चोरी का इल्जाम। अब होता यह है यहाँ पर मंगल ना भाई टॉप्स वगैरह देख रही है, ज्वेलरी देख रही है, और यहाँ पर एक अचानक से औरत खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मेरा हीरा का ना इयररिंग था वो खो गया है, अब वो कहाँ चला गया जल्दी से ढूंढो। और भाई मंगल के ऊपर वो बोल देती है कि मंगल बराबर में बैठी थी, हो सकता है इसने ही चोरी की हो। अब यहाँ मंगल भाई बोलती है मैंने तो चोरी नहीं की और मैं क्यों चोरी करूंगी, और ये सारी चीजें भाई उसकी छानबीन होने लगती है, उसकी जो सब्जी की थैली थी उसमें देखने लगते हैं और पता लगता है कि भाई उसकी थैली में ही मिलता है। अब ये सारी चीजें ना आदित्य ने की थी, क्योंकि दूर खड़ा होकर आदित्य और सोमिया बात कर रहे होते हैं, और आदित्य भाई बोल देता है उसको कि देखो मैंने किस तरीके से ना उसकी जो सब्जी की थैली थी उसमें वो इयररिंग डाल दी थी। और यहाँ पर मैं चाहता था कि भाई मंगल को पुलिस पकड़ के ले जाए और वो अरेस्ट हो जाए और किसी तरीके से शादी रुक जाए। अब थोड़ा सा ना सोमिया को बुरा भी लग रहा है कि कुछ ज्यादा हो रहा है भाई, तुम कैसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भाई सोमिया को भी शादी नहीं करनी है तो वो भी राजी हो जाती है। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भाई चीख रही है चिल्ला रही है मंगल की मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप मानने की कोशिश करो। और यहाँ भाई आदित्य भी आ जाता है। अब आदित्य तो इस तरीके से शो कर रहा है कि मंगल की तरफ है, लेकिन सारी चीजें तो आदित्य ने ही की है। यहाँ पर आदित्य भी बोल रहा है कि मेरी जो वाइफ है ना मंगल, वो चोरी नहीं कर सकती, और भाई मंगल एक काम करो तुम सॉरी वगैरह बोल दो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ लेकिन जो औरत है वो बोल रही है कि नहीं मैं तो पुलिस बुला के ही रहूंगी। तो देखेंगे आने वाले एपिसोड में क्या वाकई में पुलिस आ जाएगी और गिरफ्तार करके ले जाएगी मंगल को, या फिर यहाँ पर आदित्य का जो प्लान है वो खराब हो जाएगा।